और एक खूबसूरत चीज दिखाओ, दिखा दो। वो देखो इंद्रधनुष, हाँ कितना खूबसूरत सा इंद्रधनुष बनाया, ये देखो ये। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग फैलाग अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं बिरुड़वाल देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों, आज के व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी मॉर्निंग से। तो जैसा कि आपको पता है, सावन महीने का शुभ बेला चल रही है, शुभ पर्व चल रहा है और शुभ महीना चल रहा है। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार और डॉन और मैं आज भी जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने। तो यार दोस्तों, सबसे पहले आपको महादेव के दर्शन कराते हैं, फिर दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मंदिर से आने के बाद मैं थोड़ा सो गया था, तो मेरी नींद खुली है 10:30 बजे फिर से। और बाहर नज़ारा देखो, इतना मस्त खूबसूरत सा हो रखा है ना। और अभी तो थोड़ा सा धूप भी आ रखी है और थोड़ा सा मौसम बादली बादली भी है। तो अभी जैसे धूप आ रखी है ना, तो वो देखो यहाँ पर से आ रखी है और पूरे आसमान में बादल ही बादल छाए हुए हैं। और मम्मी ने और डॉन ने मुझे बोला है कि आज तो खाने में झोली और भात बनाना करके, तो मैं फटाफट वो बना लेता हूँ। तो यार दोस्तों, मम्मी लोग खेत से आ गए थे और अभी मैं खाना खा के जा रहा हूँ मंदिर की ओर। लाटू बाबा जी के मंदिर पे सुंदर दालों का एक वो बना रहे ना, क्या बोलते हैं, धर्मशाला टाइप से, जो कि मंदिर का जो आंगन था ना उसको कवर कर रहे हैं बारिश से बचाने के लिए। तो मैं अभी, आज है लेंटर, तो सभी को बोल रखा है गाँव वालों को, तो आधे लोग तो चले गए, मैंने खाना नहीं खाया था ना, इसलिए मैं खाना खा के अभी लाटू बाबा के मंदिर में जा रहा हूँ। और यार दोस्तों, मैं आपको आज लाटू बाबा के दर्शन भी कराऊंगा और थोड़ी सी वहाँ से हमारे गांव का सीन काफ़ी खूबसूरत लगता है, वो सब आपको दिखाऊंगा। तो अब सीधे चलते हैं लाटू बाबा जी के मंदिर पे। तो यार दोस्तों, घर से तो मैं निकल गया हूँ और हादू तूफान, और अभी मैं जा रहा हूँ लाटू बाबा जी के मंदिर पे, जैसा कि आपको पता ही है। और मेरे साथ आ रखा है, ये स्कूल की छुट्टी हो गई थी ना, तो नन्हा छोटा भाई आ गया, नाम क्यों उधर, नरेंद्र। अच्छा, तो अभी हम जा रहे हैं लाटू बाबा जी के मंदिर के, और यहाँ से कटती है लाटू बाबा के लिए रोड, और जो ये रोड जाती है ना, ये मुंशारी मोटर मार्ग है जो हमारे गांव को जोड़ती है। तो ठीक सुबह इतना वो जब कागड़ हाथ उतर ले को नदी इतनी उतन से उतनी उतर ले, चल ठीक से। तो चचा आ रहे हैं ना, क्योंकि बुजुर्गों को ले जाना जरूरी रहता है, क्यों छोटू। तो निकलते हैं अभी यहाँ से लाटू बाबा जी के मंदिर की ओर। तो यार भाई, मंदिर जाने के लिए फुल ऑफ रोडिंग होने वाली है, और ये देखो फुल ऑफ रोड है, और आज ऑफ रोडिंग की हो जाएगी, गोप्रो की ऑफ रोडिंग टेस्ट है। तो ऑफ रोडिंग का टेस्ट है, कैसा वो परफॉर्मेंस देता है गोप्रो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाई इतनी खतरनाक रोड हो रखी है ना, क्या ही बताए। तो ये है खूबसूरत सी हाईवे, हाईवे ही कहा जा सकता है एक हिसाब से इसको। तो भाई काफ़ी खतरनाक रोड हो रखी है, घचम घचम घचम। बस फुल ऑफ रोडिंग हो रही है और चचा के डर के मारे आफत है, आफत आ गई है, मस्त लग रहा है यहाँ का नजारा, फुल ऑफ रोडिंग वाला रोड है, एक भयंकर उछल रहा गैड। तो फाइनली
चाचा मिल गए थे रास्ते पे और छोटा भाई उतर गया था और गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी क्योंकि यहाँ पे रोड काफी डेंजरस है और दलदली वाला है ना, तो टायर फंस रहे हैं। हाँ, और चाचा और मैं अभी पैदल जा रहे हैं बढ़िया करके। तो अब आपको कराते भाई लाटू बाबा जी के दिव्य दर्शन। तो वहाँ पे है लाटू बाबा जी का मंदिर और भाई हमने वहीं जाना है इन रास्तों से। हाँ, अभी तो खैर ऊपर लाटू बाबा जी के मंदिर पे रोड पहुँच चुकी है पीछे साइड से, लेकिन जो ये रास्ता है ना, ये काफ़ी पुराना रास्ता है और काफ़ी जब भी यहाँ मंदिर बना होगा तभी से गांव वाले इस रास्ते को यूज़ करते थे। खैर अभी तो रोड आ गई है, थोड़े दिनों में लोग पैदल ले निजाब। तो भाई फाइनली हम पहुँच ही गए हैं लाटू बाबा जी के मंदिर पे और यहाँ गांव वाले भी लगभग आए हैं, ताऊजी लोग आए हैं और ये शटरिंग का काम अरे बताइए आप। तो यहाँ पे है लाटू बाबा जी का मंदिर। जो नमस्ते, जय हो लाटू बाबू। और ये वाला काम चल रहा है यहाँ और दुआ लगा दिया जी। अच्छा, तो अभी सरिया बिछाना है इसका, फटाफट से जो भी होगा कार्यक्रम हो जाएगा और सरिया सब यहाँ पर रखा हुआ है। और जो यहाँ काम चल रहा है ना, ये सुंदर दाजू के पिताजी लच्छू चचा के लच्छू ताऊ जी के सौजन्य से चल रहा है पर्सनली। तो सरिया अभी छत में डाला जाएगा, फिर उसके बाद लेंटर डाला जाएगा। चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ से अपने गांव का काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है। और ये रहा वाटरफॉल और इधर से जाते हैं हम नंदा कुंडी की यात्रा पे जाते हैं और कुछ इस तरीके से भाई लोकेशन। तो सबसे पहले इसमें शटरिंग का काम कंप्लीट किया जाएगा और यहाँ पे सभी लोग लग गए हैं, लगभग सरिया बिछा रहे हैं, इसके बाद लेंटर डाला जाएगा। और लाटू बाबा जी के मंदिर की एक खास बात बताऊं, जो यहाँ पे जो लेंटर जो ये छत पड़ी है ना, जो ये पाथर वाली छत है, ये छत है इंटरलॉक विधि से बनाई गई है, जो कि केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ जो मंदिर है ना, इंटरलॉक विधि से जो मंदिर बनवाया गया है। और इसकी छत भी बिना सपोर्ट के थ्रू ही, बस पत्थरों से ही, पत्थरों के थ्रू ये छत बनाया गया है, जो कि काफ़ी अद्भुत है भाई, काफ़ी प्राचीन विधि है, इंटरलॉक विधि कही जाती थी इसको। तो देखो बीच में और मकानों में क्या होता है कि बीच में लकड़ी या फिर लोहे की डंडी वगैरह रहती है, ये बिना लकड़ी डंडे के हैं भाई, सीधे पत्थरों के पत्थर लॉक करके ये छत बनाई गई है। तो लेंटर डालने से पहले किया जाता है शुभारंभ और ताऊ जी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद लेके आ गए हैं छत डालने के लिए भी पूजा पाठ की सामग्री। तो ये पूजा पाठ की सामग्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद लेंटर डालेंगे। क्यों जब तो जय हो भगवान। माला भाई, तो यार दोस्तों लेंटर चल रहा था ना, तो बारिश आ गई है। ये देखो चारों तरफ से कैसी बारिश आ रही है, यहाँ से भी बारिश स्टार्ट हो गई, यहाँ से भी हो गई और उधर तो हल्का फुल्की नहीं है, और इधर साइड से देखो कंटिन्यू बारिश चल रही है। और लेकिन लाटू बाबू की कृपा, देखो यहाँ पर बहुत कम बारिश हो रही है, फटाफट लेंटर चला जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लाटू बाबू से प्रार्थना करते हैं कि
बारिश ना हो यहाँ जल्दी, कैसा लेंटर खत्म होने के बाद ही बरसात हो, क्यों काका? और वहाँ साइड से देखो कितनी भयंकर बारिश आ रही है, बिल्कुल मूसलाधार वाली। और एक मजे की बात ये देखो, पेड़ों ने भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं कि मंदिर के ऊपर में ज्यादा बारिश ना हो करके। हेलो हेलो, काम करी बल में यार, बारिश लग रही है वैसे भी। ए मदर, तो यार लेंटर हम डाल ही रहे थे तो अचानक से भीषण बरसात यहाँ भी पहुँच गई है, और फटाफट से इसको लेंटर ढकेंगे, फिर उसके बाद बादल से बरसात कम होती है तो उसके बाद फिर से लेंटर डाला जाएगा। और ये माल फेंटा जा रहा है फटाफट से, जो कंकर बजरी और वो है ना सीमेंट, इसको फटाफट फेंट के तैयार किया जा रहा है। चलो चलो बहुत बढ़िया, लेकिन बारिश लग गई कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत बारिश रुक चुकी है और काम फिर से स्पीड से चालू हो गया है। ये देखो बारिश में ही काम चल रहा है, मेरा ड्यूटी पढ़ना ना थी यार। अब पानी की सही को है, पानी को जरूरत ना है उन्हें, तो बारिश लग गया, पानी की जरूरत ही नहीं है भाई, खुद ही वो खुद मेटेरियल बन जा रहे है। तो यार भाई लेंटर देखो, ऐसे बारिश में भी काम चल रहा है काफी खूबसूरती के साथ, और ऊपर लेंटर में छत भी डाला जा रहा है, इसी बारिश में मसाला भी तैयार हो रहा है। बारिश में ही काम चल रहा है भाई। तो यार भाई फाइनली पूरा लेंटर चले गया है, और ये पूरा जो लेंटर डाला गया ना, ये बरसात में ही डाला गया भाई। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है लास्ट दिन। और अभी कुटर काटर के मसाला डाला जा रहा है। ये देखो फाइनली यार कंप्लीट हो गया लेंटर बड़ी मशक्कत के बाद ये, और बारिश ऐसी हो रही है ना, कंटिन्यू बारिश है भाई, कंटिन्यू। ये देखो कंटिन्यू बारिश है, और इसी बारिश में भाई लेंटर पड़े है ना, अनोखी बात। लेंटर तो डल चुका है, और यहाँ खाना वगैरह बनाया गया था तो थोड़ा बहुत खाना पीना भी खा लिया है फिर। और एक खूबसूरत चीज दिखाऊं, दिखा दूं? वो देखो इंद्रधनुष, हाँ कितना खूबसूरत सा इंद्रधनुष बनाया। ये देखो ये काफी बड़ा है, बड़ा है, यहाँ से बना, ये झरने की जड़ तक जा रहा है, झरने की जड़ में जा रहा है ये। जय मानंदा आपका भला, हमारा भला। बारिश में भी होना ही था ना, बारिश भी हो, लेकिन मौसम अभी काफी अच्छा हो गया, इंद्रधनुष में ज्यादा मजा आ रखा है मुझे। तो यार दोस्तों लेंटर तो भरपूर बरसात में गया, और जैसे ही क्या बोलते हैं हल्की फुल्की बारिश बंद हो गई थी ना, तो हम घर आ गए थे, और अभी मौसम थोड़ा ठीक है, और बरसात में हमने पूरा लेंटर डाला, और अभी का मौसम देखो कितना मस्त सा हो गया है। ये देखो अगर हम बारिश में लेंटर नहीं डालते ना, तो अभी तक हम वहाँ लेंटर ही डाल लेते भाई बरसात में। ये देखो तो अभी का मौसम कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है, कैसा? चल दोस्तों शाम हो चुकी है और खाना हमने खा लिया है, और बाहर ना भाई अभी भी बारिश हो रही है कई भयंकर वाली। तो अब इस ब्लॉग को करने का हो गया है समाप्त, एंड हो गया टाइम, तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अगर आज की वीडियो पसंद आई होगी ना भाई, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि बारिश में किस किस के घर में लेंटर पड़ा है आज तक का, वो भी कमेंट करके बता देना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक लेटाडा बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए टक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल। बाय दोस्तों।